अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, और कंटिन्यू करूँगा। अब मैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7, जो कि बच्चों ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर काइंडली इसकी वीडियोज़ जो है वो आप ज़रूर डालिए। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं 7.1 का। कह रहे हैं, फोर पर्सन एंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच देयर आर सिक्स सीट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स। देखिए बेटा, बात दरअसल इतनी सी है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस सवाल में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बताए गए हैं 4 और नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल जो हैं वो हैं 6। तो बात दरअसल ये है मेरे भाई कि अगर हमारे पास 4 पर्सन हैं और 6 कुर्सियाँ हैं, तो सबसे पहले आप ये हिसाब लगाओ कि जनाब ऑप्शन जो है वो पर्सन्स के पास है या सीट्स के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो जो ऑप्शन है वो कुर्सी के पास नहीं है बल्कि इंसान के पास है। तो सबसे पहले जो पहला शख्स होगा उसके पास ऑप्शन होंगे 6, अगले वाले के पास ऑप्शन होंगे 5, फिर देन 4, देन 3, एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो इट्स वेरी सिंपल, 6 × 5 × 4 × 3, दैट इज 360 आफ्टर मल्टीप्लाइंग। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 चूज अ कैप्टन, अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स। अमंग देमसेल्व्स का मतलब है कि अपने आप में ही, इसका मतलब एक बंदा एक ही पोजीशन ले सकता है। तो जनाब हमारे पास 3 पोजीशंस हैं यहाँ पर, एक है कैप्टन की पोजीशन, एक है वाइस कैप्टन की पोजीशन और एक है विकेट कीपर की पोजीशन, जबकि प्लेयर्स हमारे पास 11 हैं। तो सबसे पहली पोजीशन जब हम देखते हैं कैप्टन की, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होंगे 11। क्यों? क्योंकि 11 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। अब कोई कितना भी चीता हो भाई, कैप्टन के बाद दोबारा वाइस कैप्टन नहीं बनेगा, तो वाइस कैप्टन के लिए 10 लोग रह जाएंगे क्योंकि एक जो है वो कैप्टन बन चुका है। फिर विकेट कीपर के लिए 9 ऑप्शन रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक बंदा एक ही पोजीशन ले सकता है। ऑल दो आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता, विकेट कीपर जो है वो कैप्टन भी हो सकता है। धोनी को आपने देखा है, सरफराज को भी देखा है आपने। तो नंबर ऑफ ऑप्शन आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, 11 × 10 × 9, सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। कह रहे हैं, देयर आर 5 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जम्प, 8 फॉर अ प्राइज इन 100 मीटर रेस एंड 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट मे बी पॉसिबल टू अवॉइड दीज प्राइजेस। तो भैया जी, आपने सबसे पहले देखा कि कॉम्पिटिटर कितने हैं भाई, 5 कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, 5 कॉम्पिटिटर हैं, सही है। किसके? हाई जंप के। 8 कॉम्पिटिटर हैं किसके? 100 मीटर रेस के। 7 कॉम्पिटिटर हैं किसके? स्लो साइकिलिंग के। तो कॉम्पिटिशन्स कितने हैं? 3 कॉम्पिटिशन्स हैं, और हर किसी में आपको क्या देना है? फर्स्ट प्राइज देना है, ठीक है जी। तो हाई जंप में जब आप फर्स्ट प्राइज दोगे तो भाई पांचों में से कोई भी ले सकता है, तो हाई जंप के होगा 5 ऑप्शंस, 100 मीटर रेस के होगा 8 ऑप्शंस और स्लो साइकिलिंग के होगा 7 ऑप्शंस। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सिंपल, 5 × 8 × 7, दैट इज 280। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम्स फॉर गेस्ट, एक भैया के पास 6 कमरे हैं गेस्ट के लिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट ईच इन अ सेपरेट रूम। तो जनाब रूम हमारे पास 6 हैं और गेस्ट हमारे पास 3 हैं, तो जनाब अब आपने ये अंदाजा लगाना है कि ऑप्शन किसके पास है, गेस्ट के पास है या रूम के पास है। ऑब्वियस सी बात है, रूम के पास ऑप्शन नहीं है बल्कि गेस्ट के पास ऑप्शन है, ठीक है जनाब। तो अब जनाब हमने देखा कि पहला बंदा जब कमरे के लिए पूछा गया, हाँ भाई कौन से कमरे में जाओगे, तो इसका मतलब उसके पास 6 कमरों के ऑप्शन थे और उसने कमरे में जाके कुंडी लगा ली क्योंकि भाई एक साथ 2 लोग अलाव नहीं है। तो अब एक बंदे ने कमरे में कुंडी लगा ली, तो अगले बंदे के पास अब 5 कमरों के ऑप्शन होंगे, और उसने भी जाके कुंडी लगा ली तो अगले बंदे के पास 4 कमरों के ऑप्शन होंगे क्योंकि ऑप्शन एक एक करके कम होने हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सिंपल, हमने 6 × 5 × 4 किया और आंसर आ गया 120। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, देर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द 6 क्वेश्चन बी आंसर्ड।
देखो भाई क्वेश्चन जो है वो 6 हैं और आंसर जो है वो 2 ही हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ भाई कि अगर पहले सवाल में ट्रू फॉल्स है ऑप्शन तो अगले में भी ट्रू फॉल्स ही ऑप्शन होगा, और हर सवाल में ट्रू फॉल्स का ही ऑप्शन होगा। इसका मतलब हर सवाल में 2 ही ऑप्शन होंगे, सिंस फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 2 ऑप्शंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन विल बी 2। अब हर सवाल के ऑप्शन 2 हैं तो 6 क्वेश्चन है, तो पहले में भी 2 ऑप्शन, अगले 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 में भी 2 ऑप्शन, तो दैट विल बिकम 64। ओके गॉट इट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ दे आर आस्किंग 3 एलिमेंट्स। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहे हैं जरा देखते हैं। जनाब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं हाउ मैनी 3 एलिमेंट सबसेट्स आर देयर फॉर द 5 एलिमेंट्स। तो सिंपल हमने क्या किया, 3 एलिमेंट सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स दैट इज s इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया, पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5, hence total number of subsets of 3 elements will be 10। काउंट कर लें भाई। दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज 5 कॉम्बिनेशन 3, और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई 7.3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ मैन हैज 6 कोट्स 7 शर्ट्स 8 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लोथ्स। अब देखिए कोट्स कितने, 6, दो दो कोट तो नहीं पहनेगा भाई, एक वक्त में एक ही कोट पहनेगा, लेकिन ऑप्शन कितने उसके पास 6। नंबर ऑफ कोट्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हैं 7, नंबर ऑफ ट्राउजर्स कितने हैं 8। सिंस सूट कैन बी फॉर्म बाय सेलेक्टिंग ईच वन ऑफ द कोट शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, तो वी हैव कोट ऑप्शन 6, शर्ट ऑप्शन 7, ट्राउजर ऑप्शन 8, इन द एंड द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर सो वी विल गेट 6 इनटू 7 इनटू 8, सिंपल यूजिंग द कैलकुलेटर वी विल गेट द आंसर 336। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज रियली सिंपल। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। In question number 18, they are saying that find the total number of ways in which 5 sparrows can perch on 3 trees where there is no restriction to the choice of a tree. In how many of these ways will be one particular sparrow be alone on a tree? So, गलती से मैंने question number 19 पहले पढ़ लिया है, तो अब मैं आपको 19 पहले करवा रहा हूँ। 19 basically दो हिस्सों में मुश्तमिल है। पहले वो कह रहे हैं कि number of trees जो है वो 3 है, नंबर ऑफ स्पैरोज जो है वो 5 हैं। सिंस एनी स्पैरो कैन पर्च ऑन एनी ट्री एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर स्पैरोज सो एवरी स्पैरो हैज 3 इक्वल नंबर ऑफ ऑप्शंस। हर स्पैरो के पास 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि भैया 3 दरख्त हैं और कोई भी स्पैरो किसी भी दरख्त पे जाके बैठ सकती है, तो इसका मतलब हर स्पैरो के पास खुले 3 ऑप्शन हैं, और हर किसी के पास 3 ऑप्शन है, इसलिए हर किसी के पास मैंने 3-3 ऑप्शन डाल दिए भाई, मल्टीप्लाई कर दिया सबको और आंसर आ गया 243। जबकि अगले हिस्से में सवाल में क्या कह रहे हैं, ये सवाल के अगले हिस्से में ये कहना चाह रहे हैं कि वन पर्टिकुलर स्पैरो बी अलोन ऑन अ ट्री। इसका मतलब एक जो पर्टिकुलर स्पैरो है भाई, उसके साथ मसला है, भड्डेबाज है वो जिस दरख्त पे बैठेगी उस पे कोई और नहीं बैठेगा। तो सिंस वन पर्टिकुलर स्पैरो हैज टू पर्च अलोन ऑन अ ट्री, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्पैरो विल बी 3। वो किसी भी दरख्त पे जाके बैठ जाए, जब वो जिस दरख्त पे बैठ जाएगी तो बाकी चिड़िया उस दरख्त पे जाके नहीं बैठेंगी। तो भैया दरख्त कितने थे 3, अब बाकियों के लिए दरख्त कितने रह गए 2। वाइल रिमेनिंग 4 स्पैरोज विल हैव रिमेनिंग 2 इक्वल ऑप्शंस एज वन ट्री हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्टिकुलर स्पैरो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस पहली स्पैरो 3 ऑप्शन और बाकी सबके 2-2 ऑप्शन। तो इन नंबर मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 48। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं 3 प्राइजेस आर ऑफर्ड टू अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी गिवन। देखो अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग इफ दे आर फॉर प्रोफिशिएंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो जनाब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट का क्या मतलब है, देखिए बात दरअसल ये है कि पहले पार्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना वो 3 है, जबकि प्राइजेस जो है वो एक ही हैं। सिंस इन ईच सब्जेक्ट एवरी स्टूडेंट कैन कम्पीट एंड कैन गेट द प्राइज, देयरफॉर देखो भाई पहला सब्जेक्ट हो, दूसरा सब्जेक्ट हो, तीसरा सब्जेक्ट हो, हर किसी के पास 50 ऑप्शन ही हैं।
क्योंकि हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो है फर्स्ट आने की। तो जनाब पहले सब्जेक्ट में भी फर्स्ट, सेकंड सब्जेक्ट में भी फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्ट में भी फर्स्ट, ये सब्जेक्ट नंबर लिखा है मैंने। तो पहले सब्जेक्ट में 50 ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर मैथ्स का टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसके पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसके पास अथॉरिटी है, वो किसी को भी फर्स्ट प्राइज दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई चल भाई चल तूने मैथ्स का प्राइज ले लिया अब तो केमिस्ट्री का प्राइज नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। तो जनाब हर सब्जेक्ट में जो है 50 ऑप्शंस ही खुले रहेंगे और हर किसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे। जबकि नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इफ दे आर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट। अब मैथ्स का टीचर कहता है नहीं मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज बांटूंगा, तो सब्जेक्ट तो एक ही हो गया लेकिन प्राइज जो है वो तीन हो गए। सिंस एवरी प्राइज इज डिस्टिंक्ट दैट इज वन प्राइज कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनली वन स्टूडेंट एट अ टाइम, देयरफॉर पहला स्टूडेंट पहला प्राइज जो है 50 ऑप्शंस है, पहला प्राइज कोई भी ले ले, पहला प्राइज लेने के बाद चलो बेटा घर निकल लो शाबाश, क्योंकि आप जितने भी जीते हो पहले प्राइज के बाद सेकंड प्राइज दोबारा नहीं ले सकते भाई, पहला प्राइज लेके आपको घर निकलना होगा। उसके बाद क्लास में बच्चे 49 रह गए, तो सेकंड ऑप्शन सेकंड प्राइज के लिए 49 ऑप्शंस और थर्ड प्राइज के लिए 48 ऑप्शंस, सिंपल सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि टाइम कॉलेज के बीच में स्लाइड चल रही है, तो ये टाइम कॉलेज के नोट्स हैं और प्रिपेयर मैंने ही किए हैं, एहसन पटेल लिखा हुआ है। टाइम कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो ग्रुप्स हैं मेरे टाइम कॉलेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, गुलशन कैंपस नियर मोची मोड़। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगा। कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।